ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਪਰਿਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ इस मीटिंग दौरान ही सोनिया और राहुल गांधी ने अस्तीफा देने की पेशकश की। कांग्रेस के जनरल सकत्र जनार्दन द्विवेदी ने प्रधानमंत्री के हवाले नाल कहा कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार अपनी खामिया ते कमियां की जिम्मेवारी लेंदी है। उन्होंने कहा कि महंगाई ते भ्रिष्टाचार के मुद्दे उत्ते सरकार लोगों तक नहीं पुजी। एक आगू का कहना सी कि मीटिंग के बहुते मैंबरां ने यह कहा कि पार्टी लोगों नाल उचित ढंग नाल राबता बनाने असफल रही है। आउंदे दिनां विच राहुल गांधी नूं संगठनात्मक मामलों विच वधेरे खुली छुट्टी दित्ते जाण दे आसार ने। कांग्रेस की प्रधान ने कहा कि वह समझते हैं कि पार्टी नूं मजबूत करने लई जो लोड़ींदे कार्ज किते जाने सन वह नहीं कर सके, इस करके वह हार की जिम्मेवारी लैंदिआं अहुदा छड्डण दे लई तैयार ने। इह गल राहुल गांधी ने मीटिंग दे विच दोहराई। खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।